महाराष्ट्र की एक अपनी परंपरा है और देश के अर्थतंत्र में महाराष्ट्र की एक अपनी जगह है। इसको इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और मुंबई को हम सभी जानते हैं कि देश का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है और ये जो पुणे नगरी है इसको मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और एजुकेशन का कैपिटल माना जाता है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि मेजबान के रूप में महाराष्ट्र ने आपकी पूरी मेजबानी की होगी। अगर कोई कमी रह गई तो मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने की का अवसर महाराष्ट्र को मिला, इसलिए मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। बहुत खुशी हुई जब मैं ये देख रहा था तकरीबन कई राज्यों के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और रेसलिंग क्लस्टर के ये जो 7 खेल है इन 7 खेलों में बहुत बढ़िया प्रदर्शन आप सभी का रहा। विशेष रूप से हमारी बहनों की उपस्थिति ये बहुत ही अच्छी रही, मैं उनको विशेष बधाई देता हूं और मैं ये मानता हूं कि बदलते भारत का ये स्वरूप है कि अब धीरे धीरे जितने हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हमारे भाई मैदान पर दिखाई देते हैं करीब करीब उतनी ही हमारी बहनें भी मैदान पर दिखाई देती है। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है।